दिल्ली के लोगों को बात बात पर आ जाता है गुस्सा और इसी गुस्से का अंजाम एक बार फिर से एक रोड रेज की वजह बन गया। कार को साइड न मिलने पर आग बबूला हो गया एक शख्स और फिर उसने दूसरी कार में सवार शख्स को बुरी तरह से पीटा। दिल्ली में फिर रोड रेज, साइड न देने पर की मारपीट, जज के भाई ने की सरेआम गुंडागर्दी। दिल्ली में रोड रेज का आतंक, इस गाड़ी और इस शख्स का ये हाल रोड रेज का अंजाम है। देर से साइड मिलने पर खुद को जज का भाई बताने वाले एक शख्स ने इस ऑल्टो कार और इसे चला रहे पुष्पेंद्र नाम के शख्स पर जमकर गुस्सा उतारा। देखिए पुष्पेंद्र को कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। रोड रेज का शिकार बने पुष्पेंद्र की मां ने तो शनिवार की सुबह करीब 9 बजे ये ऑल्टो गाड़ी से अपनी दोस्त प्राची के साथ कहीं जा रहे थे। ये कुहाट एनक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचने वाले थे तभी सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही एक I-10 गाड़ी ने पीछे से हॉर्न देना शुरू किया। पुष्पेंद्र फौरन साइड नहीं दे सके। इसी बीच जज का स्पीकर लगी I-10 गाड़ी ने ऑल्टो को ओवरटेक किया। ओवरटेक करते वक्त I-10 गाड़ी ऑल्टो से रगड़ गई। बस फिर क्या था, सड़क पर शुरू हो गया हंगामा। जज का स्टिकर लगाकर इस I-10 गाड़ी को चला रहा राजीव अग्रवाल नाम का शख्स गाड़ी से बाहर निकला और पुष्पेंद्र की जमकर पिटाई की और ऑल्टो गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। गाड़ी पीछे चल रही थी, उन्होंने गाड़ी को हिट किया। हमने उनको बोला कि आपने गाड़ी को हिट किया और आपने इंडिकेटर वगैरह नहीं दिए थे और रेड लाइट भी ग्रीन हो चुकी थी, तो हमने उनको बोला कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाड़ी में से वो निकले और उन्होंने शीशा वगैरह गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। और जब पुलिस को हमने कॉल किया तो वो पुलिस वालों को भी यही बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी में जज का स्टिकर लगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्राची के मुताबिक राजीव अग्रवाल ने साफ साफ धमकी दी कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये गाड़ी जज की है। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई लेकिन प्राची और पुष्पेंद्र के मुताबिक पुलिस भी राजीव अग्रवाल की भभकी में आ गई और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस हमारे साथ नहीं थी टोटली, पूरे प्रोसेस में वो उसी के साथ थी और हमें तो इवन को सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। क्या वजह लगी इसके पीछे? वो स्टिकर मेन जो लगा के घूमते हैं यहाँ पर और लोगों को साथ ये सब करते हैं, वजह ये वही है। हालांकि मीडिया के पहुंचने के बाद पुलिस को मजबूरन इनकी शिकायत दर्ज करनी पड़ी और दोनों को मेडिकल जांच के लिए भी भेजना पड़ा। पुलिस ने इस I-10 कार को भी अपने कब्जे में ले लिया था लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस ने इस I-10 गाड़ी को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, रोडरेज को अंजाम देने वाले राजीव अग्रवाल के खिलाफ भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुलिस ने पुष्पेंद्र के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये गाड़ी किस जज की है और रोड रेज करने वाला वाकई जज का भाई है या नहीं। ब्रिजेश सांगवान, दिल्ली न्यूज 24।